वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके जुड़ने से जस्ट पहले मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में जिक्र कर रहा था और आपको बधाई देना पेंडिंग है, इसलिए मैं बधाई दे देता हूं। सर, आपने टाइमली हमको शेयर बताया, बहुत ज़ोरदार चला, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे सर ये शेयर चला क्यों, जरा आप गाइडेंस देंगे? क्योंकि मार्केट में ना चार पाँच चीज़ें हैं, एक इलॉन मस्क की थ्योरी है, कुछ कहते हैं रिफंड आ रहा है, कुछ कहते हैं कि ये वोडाफोन आइडिया सरकार ड्यूओपोली को बचाए रख उसको ख़त्म करेगी, सरकार का 33% स्टेक है, कुछ कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ना जाने कितने एंगल हैं। सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पहले बधाई भी ले लीजिए और क्लियर भी कर दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और अजय को बधाई तो बिल्कुल होगी। गुड मॉर्निंग। जिसको कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। अगर आपने 10:30-11 में लिया, मेरा जन्मदिन था 25 अक्टूबर, 4 तारीख को दिवाली थी, उसमें कहा टॉप पिक है 11 वाला 18.5-77% रिटर्न, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, अच्छी बैलेंस शीट, डेट, ये सब प्राइस्ड इन होता है, इसे शेयर बाजार कहते हैं। REC PFC 4 गुना बढ़ गए और अभी भी डिमांड है। Don't be too pessimistic and never say never on the stock market. भाव भगवान से, आप समझे गुजराती में कहते हैं। अब 18.5 हो गया, चाहे एलोन मस्क हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, 33% उन्होंने अपने डेट को रिड्यूस करके 10 रुपए पे हिस्साधारी ले ली, 42% एबिटा है, 142 रुपए का आरपू है, और मैं ये रिपीटेडली कह रहा था 11 रुपए, 18.5 रुपए में मेरे पे कोई कंफर्ट नहीं, ना मेरे को कोई एलोन मस्क ने पहले सूचना दी है। मैंने अपनी अपनी थ्योरी पे जो आपको लिए मैंने सबको इन्वेस्टर को दिलाया ये बताया था, तो 2 महीने में जिसने 77% ले बना लिया अपने घर बैठे, और अपने लिए जो भी नए शेयर ढूंढने की आस्था कीजिए। ऐसे ही आपको अभी दिवाली गिफ्ट दिया था, अभी न्यू ईयर गिफ्ट, DCB बैंक, कल सारा बाजार एक तरफ था, DCB बैंक ने न्यू हाई मारा है, DCB बैंक 180, 220, 250 रुपए जाएगा इस साल में, यार याद रखना। क्या बात है, वन साइडेड बिल्कुल। आगा खान फंड ने जो प्रमोटर हैं खुद माल में माल लिया है बाजार से, और 15 साल से स्टॉक चला नहीं, तो सोच लीजिए कितना ज्यादा इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो दोनों स्टॉक्स के लिए DCB की कॉल तो मुझे एकदम याद है, आपने न्यू ईयर के लिए दी थी और आप इसके ऊपर तो बुलिश रही हैं, तो आज ट्रेडिंग के लिए क्या लेके आए वसीम साहब? और अजय जी आप वोडाफोन का भी तो जिक्र कीजिए। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। शाबाशी आपसे भी तो चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो वोडाफोन का फोन यूज करता हूं अभी भी। JP पावर 8.5, JP 11 रुपए, 8 रुपए पे, और वोडाफोन सबसे गंदे शेयर, सबसे गंदे शेयर जब दुगने होते ना दुनिया को सिर्फ ईर्ष्या लगती है, लेकिन कमाते ईटी स्वदेश और ईटी नाउ वाले इन्वेस्टर्स है, ये है व्यू। अब आज आपके लिए है BPCL। See, OMCs are ruling the roost. इस सारी क्वार्टरली नंबर्स विल बी रिकॉर्ड। BPCL का क्वार्टरली नंबर 8,500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, एबिटा मार्जिन हाईएस्ट है, एंड जिस तरह से HP IOC में आपने रन दिया, BPCL इज नॉट केप पेस। आई स्टिल थिंक इन द डिस्टिलेट्स एंड एंसिलरी बिजनेसेस BPCL हैज द मैक्सिमम शेयर, और मुझे लगता है BPCL नियर टर्म में 495-500 जाएगा, लेकिन 550 का टारगेट है मेरा बाय बिफोर द बजट। दूसरी बात, इट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन द ऑटो सेल्स एंड XYZ, गिवन दैट देयर डिस्टिलेट्स एंड GRM विल बी द हाईएस्ट एवर इन दिस क्वार्टर, तो BPCL इज माय टॉप पिक। द सेकंड इज लूपिन। लूपिन मेरे पे 10 साल से पोर्टफोलियो में है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है, अब लूपिन इज कमिंग ऑफ एज, उनके जो जेनरिक प्राइसिंग है, उनके न्यू पोर्टफोलियो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, मुझे लगता है 1400 का पिक यहां मिलना चाहिए आपको, 1300 में लीजिए, 1265 का स्टॉप लॉस। दूसरा अजय जी, ये दोनों मेरे टॉप पिक्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज कह दूं आपके व्यूअर्स को कि यू हैड अ सुपर्ब रन, डोंट लीव सम मनी ऑफ द टेबल, ट्राई एंड टेक सम प्रॉफिट होम, द मार्केट्स आर इन अ बुल रन, एंड बुल रन में जो लास्ट 10% होता है वो बहुत डायनामिक होता है, वो कोई नहीं पकड़ सकता, ओनली थिंग वहां पे ट्रैप भी होता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी विल बी वोलेटाइल, सो ट्राई एंड बुक सम प्रॉफिट्स और हेज योरसेल्फ ऑन द ऑप्शन फ्रंट एंड ट्राई एंड टेक होम सम मनी, दैट्स माय न्यू ईयर मैसेज टू यू। बढ़िया, ये बहुत शानदार आपने मैसेज दी, बहुत जोर से पैसा बना है, आपकी उम्मीदों के बियॉन्ड पैसा बना है, अभी भी बन रहा है, लेकिन आप लास्ट फेज ऑफ नियर टर्म बुल रन में हो सकते हैं, एक अच्छा शेकआउट आने की उम्मीद है, तो ऐसा ना हो कि MTM गेंस आपके स्क्रीन पे ही रह जाएं, जेब में पैसा आता है वो लेके जाइए और थोड़ा हेज करिए अपने आप को। ये भी वसीम साहब की मैसेजिंग है ओवर एंड अबव जो मल्टीबैगर और
बढ़िया मोमेंटम स्टॉक्स जो वो शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसीन साहब ये स्टॉक्स देने के लिए।